आप सभी का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आप भी आ गए, हम भी आ गए, तो फिर देरी किस बात की। आज का क्लास शुरू करते हैं और आज का जो टॉपिक है हम लोग का बिल्कुल आसान, थोड़ा सा दैट इज एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट। तो आज हम लोग को पढ़ना है व्हाट इज एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट। जैसे हमने यहाँ लिखा है एवरेज रेट, जैसे नाम से बड़ी आसान है एवरेज रेट, एवरेज जहां एवरेज हो, हिंदी में औसत जिसको बोलते हैं, ठीक है, वैसा रेट जिसमें एवरेज आप निकाल सकते हैं। एवरेज कब निकालते हैं, जैसे आप बहुत सारे चीज़ें आप कर सकते हैं, जैसे आज आपने पढ़ा आदि सप्ताह का टाइमिंग बनाते हैं कि आप मंडे से आप संडे तक, या संडे से आप ट्यूसडे तक आप बनाते हैं कि संडे के दिन आपने कितना पढ़ा, 10 घंटा पढ़ा, मंडे के दिन आप 8 घंटा पढ़ा, ट्यूसडे के दिन 3 घंटा पढ़ा, ट्यूसडे के दिन 1 घंटा 2 घंटा पढ़ा, आप नेक्स्ट वेडनेसडे एंड फ्राइडे एंड सैटरडे, ऐसे करके अलग अलग दिन अलग अलग घंटे आपने पढ़ा, तो रेट ऑफ स्टडी आपका क्या होगा सर? नहीं, रेट ऑफ स्टडी आपसे पूछा जाए कितने संडे से ट्यूसडे के बीच में, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? संडे के दिन, संडे आपका इनिशियल डे हो गया, ट्यूसडे मंडे वेडनेसडे, अब हम संडे टू वेडनेसडे आपसे पूछते हैं, तो संडे के दिन आपने पढ़ा है 14 घंटा, ठीक है, और वेडनेसडे को पढ़ा है आपने 6 घंटा, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? फाइनल आपसे हमसे पूछेगा व्हाट इज द रेट ऑफ स्टडी बिटवीन संडे टू वेडनेसडे, तो आप क्या करेंगे? इनिशियल डे आपका कौन है? संडे। फाइनल डे क्या है? वेडनेसडे। वेडनेसडे को आपने 7 घंटा पढ़ा, 8 घंटा पढ़ा, ठीक है, तो 8 घंटा नहीं माइनस 14 घंटा पढ़ा था संडे के दिन, फिर भाई वेडनेसडे माइनस संडे कर देंगे, निकल जाएगा। तो चलिए ये तो आपको हम बता रहे थे, वैसे ही आप कोई रिएक्शन होता है, तो रिएक्शन में क्या होता है सर? रिएक्शन में जैसे मान लीजिए ये रिएक्टेंट ए है, ये बी हुआ, ठीक है, रिएक्टेंट गेट कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट, यही ना होता है? वो तो आपको पढ़ाई पर ऐसे ही आपको बता दी कि एवरेज का मतलब है कि एवरेज है कि हर रोज अलग अलग है। आप किसी पर बैठा से स्टडी पर बैठा सकते हैं, वॉकिंग पर बैठा सकते हैं, मान लीजिए कि आप पहला आप वॉकिंग करने जाते हैं, पहला घंटा आप 500 मीटर चलते हैं, दूसरे घंटा आप 1000 मीटर चलते हैं, तीसरे घंटा आप फिर 100 मीटर चलते हैं, तो आपसे पूछा जाए कि पहला घंटा से तीसरे घंटे के बीच में आप एवरेज आपका स्पीड क्या था, तो आप वैसे ही निकाल देते हैं। तो इसमें टाइम इंटरवल, एवरेज कहाँ निकालते हैं? जहाँ मेजरेबल टाइम इंटरवल होता है, जहाँ एकदम जो इंटरवल होता है इनिशियल और फाइनल टाइम क्लियर कट हो, ठीक है। तो जैसे हम ए और बी है, मान लीजिए कि यह हम ये ऐसे बता रहे हैं कि टाइम देख लीजिए, हम एक कल्पना एक ऐसे ही आप इमेजिन कर रहे हैं, ये इसका कंसंट्रेशन ले रहे हैं, वैसे ही इसका कंसंट्रेशन ले रहे हैं इसका, तो यहाँ देखिए मान लीजिए कि ये 5 मिनट में, ठीक है, 5 मिनट के बाद इसका मान लीजिए 0 पर कुछ भी था, 0 टाइमिंग पर, 0 सेकंड पर, 0 सेकंड इसको मिनट में रखिए, सेकंड मान लीजिए कि ये आपका 100 था कंसंट्रेशन मोल पर लीटर, ठीक है सर, 100 ऐसे ही समझाने के लिए, 5 मिनट के बाद ये हो गया आपका 90, 10 मिनट के बाद हो गया ये 80, 15 मिनट के बाद हो गया ये 70, 20 मिनट के बाद ये हो गया 60, ठीक है सर। तो क्या देख रहे हैं, इसका कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का तो निश्चित रूप से घटता है ऐसे। तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इन बिटवीन 0 to 10 मिनट, फिर दूसरा 5 to 15 मिनट। तो क्या करेंगे सर, ये आप पहला क्या बनाएंगे, देखिए पहला ऐसे 0 to 10 मिनट में, तो आप एवरेज रेट जिसको आप ऐसे लिखते हैं आर एवरेज, ऐसे लिखते हैं आर एवरेज,
ना, एवरेज रेट इज इक्वल टू फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, ऐसा लिखते हैं y फाइनल टाइम जिस टाइम में आप निकालना, और ये इनिशियल जहां से आप शुरू किए हैं, जहां से आप पूछ रहे हैं, जहां से शुरू किए थे ये सर। तो अब देखिए फाइनल यहां कंसंट्रेशन कितना है, क्योंकि हम 0 से 10 मिनट के बीच में पूछ रहे हैं, तो 10 मिनट में कितना था, देखिए ये 80 है कंसंट्रेशन, और इनिशियल कितना है, ये देखिए 100 है, देखिए फाइनल टाइम कितना है 10 है, इनिशियल कितना है 0 है, देखिए सर कितना हो गया, ये माइनस देखिए 20/10 यानी ये -2 आया, ठीक है। तो इसीलिए ना ये रेट नेगेटिव में आता है, तो आप एक्स्ट्रा माइनस दे के लगा के रखते हैं ताकि ये पॉजिटिव हो जाए, तो ये एवरेज हो गया। वैसे ही देखिए यदि हम क्या करें 5 से 15 में आपसे पूछे, दूसरा 5 से 15 में पूछे, यहाँ देखिए 5 से 15 में, तो फाइनल यहाँ देखिए एवरेज आर एवरेज देखिए क्या हो गया, 5 to 15, तो 15 में देखिए कितना हो गया 70 माइनस 5 में कितना है 90/ देखिए 15 - 5 देखिए ये माइनस कर देते कितना हो गया, ये -20/-10 देखिए यहाँ कितना हो गया, ये -2 आया, क्योंकि हम एक्स्ट्रा माइनस लगा के रखते हैं, ये क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, ठीक है। ये तो 2 इसलिए आ गया चूंकि हम एक रेगुलर वे में एक इंटरवल पर हम घटा रहे हैं कंसंट्रेशन, एक रेगुलर टाइम इंटरवल पर घटा रहे हैं, इसलिए आपका रेट बराबर आ रहा है, लेकिन हम अलग अलग कर देते इसलिए मेरा एवरेज क्या आ रहा है, एकदम देख रहे बराबर आ जा रहा है, लेकिन यदि हम क्या कर देते यहाँ जो यहाँ से 5 to 10 में यहाँ देखिए यहाँ 10 कंसंट्रेशन घटा रहे हैं, और यहाँ 10 से 15 मिनट में हम यहाँ क्या कर देते जो 70 किए हैं 70 किए हैं, इसके बदले हम 75 कर देते, तो निश्चित रूप से अंतर हो जाता है एवरेज में, लेकिन हम सिंपल अपना कैलकुलेशन के लिए उसके जाल में आपको नहीं पढ़ाने के लिए सिंपल ऐसा दे दिए। तो देखिए दिस इज एवरेज रेट, तो ये आप ऐसे निकालते हैं, ठीक है। वैसे ही प्रोडक्ट के केस में देखिएगा, तो प्रोडक्ट में क्या होगा इसको बता दिए, प्रोडक्ट में देखिए ये शुरू में क्या होगा, ये 0 सेकेंड में ये 0 होगा, है ना, 5 में ये 10 हो गया, 10 में ये 20 हो गया, 15 में यह 30 हो गया, 20 में यह 40 हो गया, 25 में यह 50 हो गया। तो यहाँ भी ऐसे ही हम कहेंगे कि इसके इसके बीच में निकालिए प्रोडक्ट में, है ना, व्हाट इज द एवरेज रेट फॉर प्रोडक्ट बी इन बिटवीन किस में 5 to 15 मिनट, तो आप क्या निकालेंगे, एवरेज इज इक्वल टू इसमें कितना है 30 माइनस और 5 में कितना है ये 10/15/5 देखिए यहाँ 20/10 ये देखिए 2 आ गया, लेकिन ये पॉजिटिव में आया, ठीक है, इसलिए इसमें एक्स्ट्रा माइनस लगाने की जरूरत नहीं होता है, तो ऐसे आता है। तो एवरेज रेट का मतलब है the rate of change in concentration of any one of the reactant or product at a measurable time, ठीक है। What is average rate? This is the आप इसको हम लोग क्या करते हैं, आप समझ गए होंगे, तो इसको लिख देते हैं and then आपको थोड़ा सा कुछ और बता देते हैं। चलिए सर, तो क्या है the rate of change of concentration of any one of reactant or product in measurable time इंटरवल। तो दिस इज योर एवरेज रेट, जैसे ए से बी में हम किए, ठीक है सर। तो आर एवरेज इज इक्वल टू आप देख लीजिए चेंज इन कंसंट्रेशन बाई आप रेट जानते ही बाई टाइम। तो यहाँ देखिए ए का चेंज इन डेल्टा लगा दिए, डेल्टा दे देते,
ठीक है, इसमें हम यहाँ एक्स्ट्रा माइनस लगा देंगे। वैसे प्रोडक्ट के केस में यदि लिखेंगे तो क्या लगा देंगे, ये बी लगा लिख दिए, डेल्टा लगा दिए, चेंज इन कंसंट्रेशन फाइनल माइनस इनिशियल, ये डेल्टा के, ठीक है सर। तो निश्चित रूप से ये डेल्टा, यहाँ जो डेल्टा इसका मतलब लार्ज चेंजेज, ठीक है, और उसी डेल्टा के बदले डी लगाएंगे तो इंस्टेंटेनियस में आपको हम बताएंगे, ठीक है सर। तो दिस इज योर एवरेज रेट, एवरेज रेट में क्या करेंगे, ये डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं चेंज को, जिसमें ये क्या है फाइनल माइनस इनिशियल, और दिस इज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के केस में है, तो चेंज इन रिएक्टेंट के केस में आप क्या करते हैं, पता है आप रेट ऑफ रिएक्शन निकाले हैं, जो रेट ऑफ रिएक्शन वहाँ आप निकाले हैं वो एवरेज रेट के टर्म में आप निकाले हैं। लेकिन यहाँ तो देखिएगा आगे स्टडी मिलनी हम लोग को केमिकल कांट में इंस्टेंटेनियस के आधार पर पढ़ना है, ठीक है। एवरेज यहाँ से वहाँ जाने पर नहीं हुआ, एट ए मोमेंट ऑफ टाइम क्या है उसके आधार पर होता है, उसके बाद फिर बताएंगे आपको। तो दिस इज एवरेज रेट, तो इसको आप यदि ग्राफिकली आप देखिएगा तो देखिए, आप देखिए रिएक्टेंट के केस में कैसे होगा, एवरेज रेट ऐसे ऐसे आएगा, क्यों आएगा सर, ये भी आपको पता है क्यों आएगा, क्योंकि यदि इस पर ग्राफ, इस पर आप टाइम सेकेंड में लीजिए, इस पर आप कंसंट्रेशन लीजिए, ठीक है सर। तो देखिए शुरू में मान लीजिए ये 5, 10, 15, 20, 25 सेकेंड रखिए, ये 0.01 रखिए, 0.02 रखिए, या फिर जैसे भी रखना 0.03 रखिए, 0.04 रखिए, 0.05 रखिए, 0.06 रखिए, 0.07 रखिए, कितना 7, 2, 3, 4, 5 चलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5 और बढ़ा देते हैं, यहाँ यहाँ हमारा हो गया 36। तो देखिए इस समय इसका कंसंट्रेशन कितना होगा, ये देखिए इस समय इसका कंसंट्रेशन ये होगा, 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 इस समय इसका कंसंट्रेशन ये होगा सर, देख रहे सर, इसलिए रेट मेरा देख रहा है ऐसे होगा इस ढंग का ग्राफ, ठीक है। और इसी ग्राफ में आप सब यही किससे 5 to 15 पूछ दें तो आप क्या कीजिएगा, 15 का कंसंट्रेशन कितना है, 15 का कंसंट्रेशन मेरा कितना है, ऐसे देखिए 15 का कंसंट्रेशन ये हम लिए हैं ये 0.04, और 5 का कितना लिए हैं 0.06 नहीं, तो हम इस ग्राफ में पूछे कि 15 5 टू 15 सेकेंड में कितना होगा रेट, एवरेज रेट, तो एवरेज रेट ये आर एवरेज से लिखते हैं, तो 15 पर कंसंट्रेशन कितना है 0.04, और 5 पर कितना है 0.06, ये 15 माइनस 5 ऐसे करके आप माइनस प्लस करके आप ये कर दीजिएगा सर, ये माइनस 0.02 आया, ठीक है सर। अब भाई ये 10 आया है ना, ये निगेटिव में आएगा, देन एक्स्ट्रा माइनस लगा के, तो इस ढंग से आप क्या कर सकते हैं रिजल्ट निकाल लेते हैं। तो यहाँ स्लोप देख रहे हैं, ये जो कर्व है आपका इस ढंग से आ रहा है ना, और यदि यही प्रोडक्ट का होगा तो प्रोडक्ट में आप देखते हैं, चूँकि यहाँ देखिए टाइम के साथ रेट क्या होता है, रिएक्टेंट का रेट क्या होता है घटता है समय के साथ, देख रहे हैं ये कंसंट्रेशन घटता है ना, इसलिए स्लोप देख रहे हैं ऐसे रेट ऐसे ढंग से आ रहा है फॉर इन केस ऑफ रिएक्टेंट। जब प्रोडक्ट का आप लेते हैं तो फिर प्रोडक्ट के केस में क्या होगा, ये प्रोडक्ट का आप लिख लिए होइएगा, प्रोडक्ट के केस में देखिए बस ये ऐसे ही रहेगा, प्रोडक्ट के केस में ये ऐसे हो जाएगा, चूँकि उस समय क्या हो समय के साथ ऐसे ऐसे उसमें ऐसे ऐसे क्या होगा बढ़ेगा, ऐसे 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 बढ़ता है, ये टाइम हो गया, टाइम सेकेंड, ये कंसंट्रेशन, ठीक है सर। ये मान लीजिए ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है, ये 20 है, ये 25 है, तो इस समय ये 0.001, 0.002, 0.003 आप कुछ भी ले सकते हैं, ये तो इमेजिनरी है सर, ये आप तो समझ रहे हैं। तो इस ढंग से क्या हो समय के साथ इसमें तो कर्व क्या है इसमें ये अपवर्ड डायरेक्शन में, देख रहे हैं ये फॉर किसके लिए है, प्रोडक्ट का एवरेज रेट का रिप्रेजेंटेशन, ये क्या है फॉर रिएक्टेंट का रिप्रेजेंटेशन है किसके, एवरेज रेट के, ठीक है। तो दिस इज योर एवरेज रेट, यानी दैट इज द रेट ऑफ चेंज, दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट, हमने रिएक्टेंट ए और प्रोडक्ट बी लिए, एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट
एट मिजरेबल टाइम इंटरवल, हियर इज मिजरेबल टाइम टू 5-10 सेकंड, यहाँ टाइम इंटरवल क्लियर कट है, तो दिस इज योर एवरेज। चलिए इसको नेक्स्ट कीजिए, नोट कीजिए, देन हम आपको बताते हैं इंस्टेंटेनियस। अब नेक्स्ट है हमारा इंस्टेंटेनियस रेट, जैसे नाम से ही क्लियर है, इंस्टेंटेनियस यानी एट इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो बस डिफरेंस क्या है दोनों में सर, वहाँ टाइम इंटरवल मतलब 5 मिनट के बाद 10 मिनट, 10 के 15 मिनट्स, वहाँ रेगुलर टाइम इंटरवल था, ठीक है, तो आप एवरेज रेट निकाल लेते थे। यदि आपसे कोई पूछे ऐसे 5-10 रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन आप निकाल रहे थे, 5-15 आप निकाल रहे थे, कोई आपसे पूछे कि भाई साहब आपको हमको ये बताइए कि 10 मिनट एट इंस्टेंट ऑफ टाइम मतलब 10 मिनट या 15 मिनट पर ही रेट क्या था, व्हाट इज द चेंज इन कंसंट्रेशन, नहीं व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट एट ए पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। यदि हम रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन निकालते हैं किसी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का एट ए पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, तो वो इंस्टेंटेनियस रेट, जैसे अभी आपको हम बताया कि आप एवरेज में 5-10, 10-15 ऐसे आप निकाल लेते हैं। यदि आपसे कोई पूछे कि 8वां मिनट पर रेट क्या है, तो आप क्या बताइएगा, वहाँ तो क्या है, चेंज तो नहीं, 8वें मिनट पर आप रेट निकालिए, तब क्या करेंगे, सब चाल बजाएंगे कि गाना गाएंगे, लाएंगे इधर से रे कहाँ है रे पकड़ के लाओ जी, ऐसा तो हो संभव नहीं। तो उस समय आप मैथ लगाएंगे, कौन सा मैथ लगाएंगे, कैलकुलेस कर लगाते हैं ना सर, तो उस समय आप क्या करेंगे सर, उस केस में जब इंस्टेंट ऑफ टाइम पार्टिकुलर इंस्टेंट टाइप ऑफ रेट निकालने के लिए जब कहा जाए, तो उस समय जो इंटरवल का वैल्यू होता है कर्व पर, जो आप इंटरवल निकालते हैं, वहाँ इंटरवल का रेगुलर इंटरवल यानी टाइम इंटरवल का कोई मतलब नहीं होता है, उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। आप क्या करेंगे, जो आपका कर्व है उस पर आप क्या करेंगे, टेंजेंट लाइन खींचेंगे। टेंजेंट लाइन जानते हैं ना सर, यदि हम इस पर हमको यदि तो टेंजेंट लाइन खींचेंगे और उस टेंजेंट लाइन का जो स्लोप होगा, द वैल्यू ऑफ स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन व्हिच इज ड्रॉन ऑन द कर्व, इट इंडिकेट द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट। चलिए इतना तो बात बनाना हो गया सर, इसको करते क्या है, जैसे सर देखिए हमें यहाँ एक बना लिया था, ठीक है सर, क्या बना लिया था, हेयर द टाइम, हेयर इज अ कंसंट्रेशन, दिस इज अ केस ऑफ रिएक्टेंट, आप जानते ही है ये मेरा रिएक्टेंट के केस में होगा, ये से भी होता है, ये रिएक्टेंट के केस में हुआ होगा, ये मेरा प्रोडक्ट के केस में हुआ होगा, ठीक है सर। तो क्या दिख रहे हैं, रेट धीरे धीरे दिख रहा है घट रहा है, यहाँ देखिए धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यदि आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द, जैसे यहाँ देखिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ instantaneous rate at 10 second है, चलिए 10 second पर instantaneous rate निकालिए, तो आप क्या करेंगे सर, ठीक है, या किसी इसमें यहाँ मान लीजिए 12 second है, यहाँ निकालने के लिए, तो आप क्या करेंगे, ठीक है, तो जरा देखिए आप क्या करेंगे, जैसे आप 10 second में कहा, ठीक है सर, तो आप 10 second में यहाँ देखिए, यहाँ ये देखिए इसका क्या है, ये देखिए ये एक पॉइंट, दिस इज द पार्टिकुलर कर्व पर एक पार्टिकुलर हम पॉइंट लिए, जिस वो पॉइंट क्या है, वो पार्टिकुलर टाइम पर हमको इंस्टेंटेनियस रेट इमेजिनरी वैल्यू के आधार पर हमारा पार्टिकुलर इंस्टेंट टाइम हम 10 सेकंड पर आपको कहीं निकालने के लिए। अब चलिए सर ये एनसीईआरटी का किताब है आपके लिए, आप ही कहना है, चलिए स्केल तो है नहीं सर, हाँ स्केल कैसे लेंगे, इसी को स्केल बनाएंगे, हाँ देखिए कहाँ जा रहे हैं, क्या करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, माथा पर मारने वाले नहीं है, मार देंगे, इससे हम स्केल का काम करेंगे, टेंजेंट लाइन खींचेंगे सर, टेंजेंट लाइन जानते हैं ना सर, देखिए ऐसे है, तो टेंजेंट लाइन का मतलब है कि वो पॉइंट पर हम क्या होना चाहिए, जस्ट टच, टेंजेंट का मतलब टच का, मैथ वाले बच्चा जानते हैं, बायोलॉजी वाला देख रहे हो ना, मैथ वाला बच्चा हम जानते हैं, देखिए ये लाइन है तो ये है, तो आप ऐसे लाइन खींचना है इस पॉइंट से कि ये कर्व को क्या करे, केवल टच करे, है ना, जैसे यहाँ देखिए ऐसे आप ऐसे खींच देते हैं, ये पॉइंट है ना, यदि आप खींचते हैं, है ना, ये भी ठीक है इधर है, यदि आप ऐसे पॉइंट है ना, आप ऐसे खींचते हैं और आपका क्रॉस कर जाता है, तो क्रॉस नहीं करना चाहिए, केवल टच करना चाहिए, तो इस ढंग से टच कीजिए,
और हम टच करते समय आप क्या कर सकते हैं, आप जहां तक ले सकते हैं आप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस एक्सिस को भी टच करा दीजिए, इस एक्सिस को भी टच करा सकते हैं, या बीच से भी आप ले सकते हैं, ठीक है। इंस्टेंटेनियस रेट पार्टिकुलर इंस्टेंट टाइम पर जो आप निकालिएगा उसमें कहां से कहां आप एवरेज इंटरवल ऑफ टाइम इंटरवल ऑफ कंसंट्रेशन का कोई मतलब नहीं होता है, ये बात ध्यान में रखिए। इसलिए देखिए हम आपको दोनों बात करके आपको समझाएंगे। जैसे देखिए यहाँ हम ऐसे लीजिए टेंजेंट खींच रहे हैं, कहाँ जा रहे, ठीक है, देखिए ये देखिए ठीक है, देखिए ये देखिए ये टेंजेंट, अरे मैथ वाला बच्चा, मैथ वाला, अरे थोड़ा बड़ा है। अच्छा देखिए सर आप समझ रहे हैं, हमको थोड़ा दिक्कत हो रहा है, आप मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराइए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, है ना। ऐसे जब खींचे हैं सर, मुस्कुराइए, आप तो जरा मुस्कुरा दीजिए, गाना है ना सर, ऐसे ही मेरे इस स्केल का जो ये देखिए, हाँ ठीक है खिंचा गया, कोई बात नहीं, बड़ाबड़ी खिंचा गया सर। ये मेरे पॉइंट पर देखिए सर, ये टेंजेंट लाइन हमने खींच दिया, ठीक है। यहाँ एक टच किया एक्सिस पर, कंसंट्रेशन एक्सिस पर यहाँ टच किया, और टाइम एक्सिस पर यहाँ टच किया। तो 15 सेकंड पर यदि हम कहेंगे सर, तो मेरा देखिए ये एक लाइन हो गया, ये मेरा कंसंट्रेशन लाइन हो गया, तो टेन थीटा यदि आप निकालते हैं, ठीक है, तो क्या होगा सर, मान लीजिए ओ ए है, ये बी है, इसको बी मान लीजिए, तो ओ ए बाई ओ बी हो जाएगा, कंसंट्रेशन ओ ए ये ओ बी, ठीक है, हमको इससे भी मतलब नहीं है, ये तो आपको हम समझाने के लिए कर रहे थे। अब ये इंस्टेंटेनियस रेट हमको कहाँ के कहाँ निकालना था, आर इंस्टेंटेनियस किसके किसके बीच में निकालना था सर, निकालना था किसके किसके बीच, 10 सेकेंड में निकालना था, तो हम क्या करेंगे, फाइनल कंसंट्रेशन, यहाँ भी वैसे ही होता है, फाइनल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन बाई टाइम, टाइम मेरा कितना है, तो देखिए सर यहाँ फाइनल कंसंट्रेशन मेरा कितना है, यहाँ देखिए, ये देखिए इसमें कितना था, ये देखिए इसमें कितना है मेरा, 001 है, नहीं यहाँ पर मेरा 001 है, देख रहे हैं, यहाँ पर हम मान लिए हुए हैं ये मेरा 001 है, कितना पर, ये हम लिए हुए हैं, इस पर मेरा कंसंट्रेशन कितना है, 001 है मान लीजिए, तो ये फाइनल कंसंट्रेशन 001 हो गया, चलिए माइनस इन, और इस समय कंसंट्रेशन यह था, और ये टच कितना किया, और फिर ये कितना है 0.15, ठीक है सर, और फिर ये 20 माइनस 0, देखिए इसको आप क्या कर दीजिएगा, ये माइनस में आएगा, ये 0.0 इसमें से ये 0.014 आएगा बाई 20, ठीक है, इसको आप कर दीजिए, ठीक है। एक ये तरीका है आप करने का, अब एक और तरीका है आप कर सकते हैं, जैसे देखिए सर इतना आपको नहीं आ रहा है, तो ये दो वैल्यू का तो क्लियर कट है, आप क्या करेंगे, इसको इस जो कर्व है इससे आप यहाँ ऐसे टच कर दीजिए, इसको आप ऐसे टच कर दीजिए, ठीक है सर, देखिए ये यहाँ ये हो गया, ये टच हो, तो देखिए इसका कंसंट्रेशन क्या है, ये है, और इसका कंसंट्रेशन क्या है, ये है, देखिए इसका कंसंट्रेशन मान लीजिए कि ये 0.13, देख रहे सर ये 0.13, तो अब एक ये तरीके से भी निकाल सकते हैं, और दूसरा जो अभी हम निकाले हैं, ये देखिए हमने क्या किया, 10 सेकेंड पर निकालना था, तो हमने क्या किया, ये मेरा क्या था, टेंजेंट लाइन था, उसके बगल वाला जो नोन वैल्यू था उससे हम इसको इस कर पर ऐसे टच कर दिए, ये मेरा कंसंट्रेशन, ये मेरा पॉइंट हो गया, और दूसरा ये मेरा पॉइंट हो गया, तो देखिए आप क्या है, ये मेरा फाइनल हो गया, फाइनल कंसंट्रेशन, ये मेरा इनिशियल कंसंट्रेशन है, तो चलिए क्या होगा सर, 10 सेकेंड में फाइनल कंसंट्रेशन मेरा कितना है, 0.05, देखिए ये इनिशियल कितना है, 0.13, देखिए फाइनल कितना है टाइम मेरा, 15 माइनस इनिशियल कितना है, 5, देखिए ये आप इसको करके कैलकुलेट कर दीजिए, है ना, माइनस में कुछ वैल्यू जो आएगा उसको प्लस में कर दीजिएगा, तो दिस इज द राइट, ठीक है। तो दो तरीके से आपने क्या किया, यहाँ आप देखिएगा कि ये लाइन खींच देने से, ये इंटरवल से कोई फर्क नहीं पड़ता है इंस्टेंटेनियस रेट का, जान देंगे, इसलिए यहाँ देखिए एक कर्व में हमने क्या किया, दोनों टच कर दिया था, देख रहे हैं ऐसे, एक जो हम खींचे थे इस टाइम एक्सिस और एक्स एक्सिस पर खींच करके, तब हम निकाल दिया, दूसरे हम कह रहे हैं कि एक और तरीका है
कि आप 10 सेकेंड पर निकालना है तो आप वहां टच नहीं करना चाहते, तो जस्ट बगल वाले टाइम पर आप उसको यहां से खींचिए, कंसंट्रेशन वाला वैल्यू आ जाएगा। इसके टाइम पर आप खींचिए, कंसंट्रेशन वाला वैल्यू आ जाएगा। और इसको आप टच कर दीजिए तो देखिए 15 सेकेंड पर आपका ये कंसंट्रेशन होगा, 5 सेकेंड पर ये कंसंट्रेशन, दोनों का ये हो गया फाइनल। देखिए 15 सेकेंड पर ये कंसंट्रेशन 0.05 है ना, और 5 पर ये 0.13 है, और 50 माइनस 5 करके आप निकाल लें। ठीक है, वैसे ही आप यहाँ भी निकालेंगे, क्या करेंगे यहाँ, तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं, इन केस ऑफ रिएक्टेंट आर इंस्टेंटेनियस जो होगा इसमें आप क्या करेंगे, डी लगा देंगे, डेल्टा के बदले डी लगा देते हैं सर, बाई डेल्टा टी। देखिए ये निगेटिव लगा दी, यहाँ आपका क्या होगा, निगेटिव स्लोप होगा, जो टेंजेंट आप खींचेगा स्लोप आपका कैसा आएगा, ये निगेटिव होगा नीचे की ओर। ठीक है, जबकि आप प्रोडक्ट के केस में खींचेंगे तो आर इंस्टेंटेनियस जो होगा यहाँ ये पॉजिटिव होगा, ये डी बी बाई डी टी, और यहाँ स्लोप कैसा होगा सर, स्लोप यहाँ पॉजिटिव होगा। और यहाँ भी देखिए सर, ये पॉइंट मान लीजिए ये 10 सेकेंड पर ऊपर निकालना है, यहाँ एक फिर यहाँ टेंजेंट लाइन खींच देंगे ऐसे, देखिए सर यहाँ यहाँ टेंजेंट लाइन ऐसे खींच देंगे, ऐसे खींच दीजिए, यहाँ भी आपको निकालना है तो देखिए ऐसे कर दीजिएगा, यहाँ ऐसे कर दीजिएगा, देखिए सर ऐसे हो गया, यही ना इसी पर निकाल, यही सर हम टेंजेंट खींचे। ठीक है सर, यहाँ देखिए ये आपका मान लीजिए ओ ए है, ये बी है ना, आप फिर क्या कर लीजिएगा, ये कंसंट्रेशन यहाँ टेन थीटा इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए। ठीक है, ये आपका कंसंट्रेशन वाला हो गया, ये कंसंट्रेशन का हो गया, ये टेन का हो गया। तो इस ढंग से आप यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ भी जस्ट वैसे ही निकाल सकते हैं जैसे आप यहाँ निकालें। क्लियर है हुँ? तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं, मिटा रहे हैं। तो इंस्टेंटेनियस रेट क्या है सर, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एट पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो याद रखिए सर, इंस्टेंटेनियस रेट जो है वह एवरेज रेट जो निकालिएगा उसमें डेल्टा टी हो जाएगा, डेल्टा टी इंटरवल वहाँ क्या है बहुत कम है, तो इसलिए आप ए से यदि आप बी ऐसे खींचते हैं तो आप क्या करेंगे, जस्ट आप हम रिप्रेजेंट करते दिए हैं कि आर इंस्टेंट आप इसके केस में देखिए ये ए बाई डेल्टा ए लगा दिए है ना, प्रोडक्ट केस में डी, तो यहाँ डी स्मॉल चेंजेस के लिए, डी का मतलब स्मॉल चेंज के लिए यूज करते हैं उसको डी है ना, डेल्टा क्या करते हैं लार्ज चेंजेस के लिए यूज करते हैं। तो इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट में बस इतना ही है सर कि एवरेज रेट एक मेजरेबल टाइम इंटरवल में, रेगुलर टाइम इंटरवल में निकाला जाता है, जो आप एवरेज जो रेट एक्चुअल कहते हैं वो एवरेज रेट ही निकालते हैं, लेकिन इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब है कि एट ए पार्टिकुलर इंस्टेंट टाइम और पार्टिकुलर इंस्टेंट टाइम पर निकालना हो तो क्या करना है, एक स्लोप ऑफ आप निकालते हैं, कर्व पर आप एक टेंजेंट लाइन खींचते हैं, टेंजेंट लाइन को क्या करते हैं, या तो दोनों आप एक कंसंट्रेशन एक्सिस या टाइम एक्सिस पर आप टच करा दीजिए, और इससे आपको फाइनल टाइम और इनिशियल टाइम पर भी निकल जाएगा, या एक ऐसे भी कर सकते हैं कि जिस टाइम पर निकालना है उसके बगल वाले टाइम को आप एक लाइन खींचिए और उसको
जो आप टेंजेंट लाइन खींचे हो उसको टच करा दीजिए और उससे इनिशियल फाइनल से करके आप आसानी से न्यूमेरिकल या बना सकते हैं, समझ सकते हैं। तो दिस इज योर एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट। तो चलिए आज की मुलाकात बस इतनी, एंड नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग मुझे व्हाट इज द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ रिएक्शन एंड देन आगे बढ़ते हैं सर। चलिए मिलते हैं, बाय।